गोपियाँ तीसरे पद में कहती है कि हमारे श्री कृष्ण तो हारिल की पक्षी के समान है, जो दोनों टांगों के बीच में लकड़ी लिए उड़ता रहता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी हमारे रक्षक हैं और वह हमारी सुधि लेंगे। इसीलिए मन क्रम वचन से हमने केवल उन्हें ही लकड़ी के समान पकड़ रखा है और हमेशा ही उनके बारे में ही सोचती रहती है। जागते सोते दिन रात स्वप्न में केवल नंद बाबा के खाना खाना को ही हम रटती रहती हैं। वह उस हारिल पक्षी के समान है जो ये सोचता है कि लकड़ी पकड़े हुए वह सुरक्षित है। उसी प्रकार से भी श्री कृष्ण हमारे लिए उस हारिल के लकड़ी के समान है, जिसे हम केवल मन क्रम वचन से दृढ़ता पूर्वक पकड़ कर रखे हैं। लेकिन आपने तो ये कौन सा संदेश लाकर हमें सुना दिया, जिसे सुनते ही हमारी व्यथा बढ़ती जा रही है और यह रोग तो उस कड़वी काकड़ी के समान है जो हमें कड़वी लग रही है। और ये कैसा दुख है जिसे हमने आज तक तो न कभी देखा और न कभी सुना है। इसलिए हे उद्धव जी, ये रोग और योग हमें नहीं चाहिए, ये आप उन्हें ले जाकर दे दीजिए जिनका मन चंचल हो। हमारा मन तो चंचल नहीं है, इसलिए हमें इस योग की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि चौथे पद में गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़ लिए हैं और भौरे के माध्यम से उन्हें समझाना चाहती हैं कि वो पहले से ही बहुत चतुर थे और अब तो उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों का पाठ कर लिया है। बड़े बड़े ग्रंथों का पाठ पढ़ने से उनकी बुद्धि और भी तेज हो गई, और भी ज्ञानी हो गए हैं, जिसके कारण उन्होंने हमें ये योग संदेश पठाया है, जिससे में पता चलता है कि श्री कृष्ण कितने राजनीतिक बन गए हैं। हे उद्धव जी, पहले के लोग तो कितने अच्छे थे जो दूसरों की सुधि लेते थे, उनके हित के बारे में सोचते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने तो जब से यहाँ से गए हैं उन्होंने हमसे तो मनी फेर लिया है और हमसे जैसे नाता ही तोड़ लिया है। वे जाते समय कह के गए थे कि मैं अनिति को मुक्त करने जा रहा हूँ और आज है कि वे हमें ही अनिति का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये कैसा राजधर्म है। सूरदास जिसे के माध्यम से कहते हैं कि प्रजा के हित के लिए जो धर्म किया जाए उसे राजधर्म कहा जाता है, लेकिन जो प्रजा के धर्म के लिए ना किया जाए उसे राजधर्म नहीं कहा जा सकता। इसीलिए गोपियाँ कहती है कि जो अनिति के लिए लड़ते थे आज वही हमें अनिति दे रहे हैं, अर्थात जो लोगों के दुख को दूर करते थे आज वे स्वयं ही हमें दुख पहुंचा रहे हैं। तो ये किस प्रकार का राजधर्म है, अर्थात श्री कृष्ण ने ये ऐसा अनिति का काम हमारे साथ ही क्यों किया है। इस तरह से चौथे पद के बारे में बताया गया है।